कॉलेज में प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, जबकि दूसरे वर्ष की कक्षाएं शुरू कर दी हैं, जिस पर एबीवीपी उग्र हो गई है। एबीवीपी ने इसी मुद्दे को लेकर धर्मशाला कॉलेज में प्रांत मंत्री राहुल राणा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया एवं विश्वविद्यालय प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भक्तों चल एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा से टिकट चाहवानों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है। अब भारतीय मजदूर संघ ने भी धर्मशाला से टिकट की दावेदारी जता दी है। बामस के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज पठानिया ने मीडिया के समक्ष धर्मशाला से भाजपा की टिकट मांग की मांग उठाई है। यही नहीं, बामस प्रदेश नेतृत्व उपचुनाव में टिकट के लिए रणनीति बनाने धर्मशाला में भी जुटेंगे। प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जबकि दूसरे वर्ष की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, जिस पर एबीवीपी उग्र हो गई है। एबीवीपी ने इसी मुद्दे को लेकर धर्मशाला कॉलेज में प्रांत मंत्री राहुल राणा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया एवं विश्वविद्यालय प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य के प्रति लापरवाह रवैया अपनाए हुए है तथा छात्रों को अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। एबीवीपी का कहना है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया तो परिषद प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करके शिक्षा बंद करेगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित की अनदेखी न करे, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जिस तरह से सेमेस्टर सिस्टम को बंद कर ईयरली सिस्टम 2018 में नई सरकार ने इसने लागू किया, लेकिन हम देखते हैं कि 2018 में लागू हुए ईयरली सिस्टम में जहां फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स अभी तक भी 2 महीने हो गए सेकंड ईयर को चले हुए, उनके रिजल्ट्स अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, जिस वजह से आज इस प्रदेश के महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का इसके पीछे निठल्लापन है और इस वजह से विद्यार्थी परिषद ने आज इस धर्मशाला महाविद्यालय में विद्यार्थियों का आक्रोश है, जिस वजह से आज ये धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों ने किया। अगर रिजल्ट जल्द से जल्द नहीं निकाला जाता है तो क्या कार्रवाई होगी? अगर जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को उग्र करके इस प्रदेश की पूरे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा बंद करने का काम विद्यार्थी परिषद करेगी। और क्या मुख्य डिमांड्स क्या हैं आपकी? इस धरने का मुख्य उद्देश्य यही था कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स को तुरंत से तुरंत घोषित किया जाए, क्योंकि इनका रिजल्ट्स का घोषित ना होने की वजह से आज सेकंड ईयर इनका चालू हो गया है, फीस इन लोगों ने भर दी है, 2 से ज़्यादा सप्लियाँ इन लोगों को अगर आती है, छात्रों को आती है, तो उन्हें फिर से फर्स्ट ईयर में बैठाया जाएगा। लेकिन हम पूछते हैं प्रशासन से कि क्या आपने फर्स्ट ईयर में बैठाने के लिए क्या आपने सीटें यहाँ रोकी है, क्या आप लोगों ने उसके लिए रिजर्व की है, क्या उन लोगों की 75% अटेंडेंस जो UGC की गाइडलाइंस है उस क्रेडेंशियल को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अग्रसर है या नहीं है, ये बहुत बड़ा चिंता का सवाल आज पूरे हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं, ब्रेक के बाद।